हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे बिल्कुल आपकी तरह। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी दूंगा जो मुर्गे हमने कितनी अच्छी से अच्छी खुराक दी है उसे ध्यान अच्छा खासा रख रहे हैं, लेकिन जो है वो ताल पर नहीं आ रहे हैं। खूब ट्राई कर लिया लेकिन हमारे मुर्गे जो है जैसे और मुर्गों के हिसाब के मुर्गे होने चाहिए वो हिसाब जो है हमारे मुर्गे साथ नहीं बन रहा, तंदुरुस्ती नहीं पकड़ रहा, जो का तो ही कमजोर है, हड्डी निकली पड़ी है, सिप निकली पड़ी है, चेस्ट की हड्डी निकली पड़ी है, लेकिन वो मुर्गा जो ताल पर नहीं आ रहा। क्या कमी रहेगी ऐसी हमारी देखभाल में जो हमारा मुर्गा जो है जो वो ताल पर नहीं आ रहा? कुछ दिन पहले जो है मुझे एक मैसेज आया था इसी तरीके का, उन्होंने मुझे मैसेज करा था कि भाई मैंने अपने जो है सभी जो तरीके हैं मुर्गबाजों के वो सारे ट्राई कर लिए लेकिन मेरा मुर्गा जो है ताल पे नहीं आ रहा। हो सकता है कुछ कमी बेसी हो सकती है उस मुर्गे के अंदर ही, वो ताल पे नहीं आ रहा। लेकिन जो है मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ जो नए शौकीन है उन भाइयों के लिए, जैसा मुझे मैसेज आया था पीछे है ना, तो जानकारी क्या है, मुर्गे जो खुराक भी ठीक ठाक दे रहे हैं लेकिन जो है अच्छा पानी देखभाल कर रहे हैं समय से, लेकिन वो जो मुर्गा उनकी जो जिसामत नहीं बना रहा है, बॉडी वेट ठीक से नहीं पकड़ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने मुर्गे करें डीवार्मिंग, हो सकता है आपके मुर्गे जो आपने जो खुराक दे रहे हैं वो सारी वो कीड़े जो पेट के अंदर जो वॉर्म्स पल रहे हैं वो खा रहे हों। सबसे पहले डीवार्मिंग करें, उसके बाद जो है खुराक करें। डीवार्मिंग की वीडियो मैं लगा रखी है, पहले डीवार्मिंग करें फिर उसके जो पेट के निजाम अंदर का जो निजाम है उसे तंदुरुस्त करें, जो पेट के अंदर जो खुश्की है उसे जो है तरावट लाए ताकि वो फिटफाट हो जाए, और जो सारा खाना पीना जो सारा प्रोसेस है फीड का वो अपने मुर्गे को दें, नरम खुराक दें थोड़ी सी ताकि हमारे पेट का जो लीवर है हमारे मुर्गे का निजाम जो है उसे तंदुरुस्त बनाना है हमें, ठीक है, तकड़ी खुराक ना दें बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद में जो है जब आपका मुर्गा हो जाए ये खुराक लगते लगते करीबन जो है 15 दिन या महीना कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, 15 दिन कर ले, जैसे कि उसे जो है दही में रोटी भिगो कर खिला देनी, दही में रोटी भिगो खिला देनी, या दही में इसोबोल की भुस्सी दे देनी, या फिर आपको जो दे देने हैं दही के निचोड़ने के बाद में जो पनीर बचेगा उसकी गोलियां बनाकर दूध की मलाई में रोटी चूर कर दे दी, इस तरीके की आप जो है नरम खुराक देंगे अपने मुर्गे को, रोटी भिगो के दे दी, पोल्ट्री फीड में मिला के दे दी, तो आपका मुर्गे जो है आंतों में जो खुश्की आ रही है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगी, और जो है वो मुर्गा जो है जो भी आप खुराक देंगे फिर जो उसके जिसामत में लगेगा वो कंप्लीट जो है आपका मुर्गा आपका शौक राजी कर देगा। जैसा आप दूसरों के मुर्गे देखते हैं कि उसके पल्लों में चमक है, अच्छी खासी जो है मजबूत है, उसे जो है बॉडी वेट ठीक ठाक है, तो वो सब आपका जो मुर्गा कंप्लीट कर देगा। तो बताने को तो बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं अगली वीडियो फिर बनाऊंगा इसी टॉपिक पर, ठीक है दोस्तों। बाकी आप चैनल के साथ भी बने रहिए, जुड़े रहिए ताकि मुर्गा और मुर्गी संबंधी जानकारी जो है हम आपको एक नए टॉपिक पर जो है वीडियो बनाते रहें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। बाकी आप कुछ समझदार है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।